टू स्टडी आई क्यू आई एम अमित वारी द किलोर एज यू कैन सी दाइटल ऑफ द क्लास इज एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लास्ट के टेन ईयर्स के एमसी क्यूज यूपीएससी ने प्रिलिम्स में एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे राइट नाउ बिफोर वी स्टार्ट ओवर देयर मैं आपको यह बात बता देता हूं कि हम एक अगस्त को लाइव फाउंडेशन बैच बिगिन कर रहे हैं देर आर वेरी लिमिटेड सीट्स रिमेनिंग क्योंकि कल से शाम को छह बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सो so, जिसमें से जो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है राइट नाउ इज परफेक्ट टाइम यूपीएससी एप्स के बारे में बात करते हैं पहले एंड देन वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स फॉर सेक विल गो फॉर द्विट स्क्रीन राइट वाइट इज बेटर देन ब्लैक इज ऑल्सो बेटर यूपीएससी आई थिंक पॉलिटी क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं right? uh, 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 है? uh, 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 कोलेट करके करेंगे मतलब देर इज अ सो मच ऑफ ओवरलैप सिस्टम इन ही होता है देर इज अ करंट अफेयर इज हिस्ट्री नो डाउट अबाउट इट एंड हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर को भी हम कोलेट कर सकते हैं बेसिकली वर्ड इज आर्ट एंड कल्चर मेडिवल हिस्ट्री और हिस्ट्री में से आते हैं बट या इज ऑब्वियसली सम सेक्शन जो कि थोड़ा सा अलग भी है सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में मिलता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सो फॉर जनरल पर्पसेस वी विल कीप इट ठीक है आज का हमारा उद्देश्य है एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को देखना

इट इज राइट अगर कुछ और हो तो आप मुझे बेसिकली करेक्ट कर सकते हैं आई कैन चेक मैं आप लोगों से एक बार थोड़ा सा ओपिनियन ले लेता हूं कि सर वट एग्जैक्टली exactly, आपके अनुसार कि इन सब्जेक्ट्स में से किस में से किस में जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं राइट एनीबडी एल्स आई थिंक इकोनॉमिक्स इज अ हाई रैंकिंग सब्जेक्ट इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट और जोग्रफी के भी मिला के हम 25 के करीब लगा सकते हैं एंड देन रेस्ट देर इज मिसलेनियस इन द करंट अफेयर्स ठीक है ऑल राइट right. राइट सो लेट्स बिगिन अब इसके बारे में थोड़ा सा इसके प्रारंभ करते हैं कि आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछले दस सालों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस तो हम करेंगे कैसे जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आई विल शो यू दी क्वेश्चन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके ऑप्शन देखेंगे एंड देन ऑब्वियसली वी विल आंसर इट आप कमेंट्स में आंसर करेंगे मैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा आंसर उसमें से देखता हूं कि किसको कितने आते हैं बट हमारा पर्पस दूसरा होगा हमारा पर्पस एक्चुअली में आज ये एनालाइज करना होगा कि यूपीएससी एंशंट इंडिया में से और आर्ट एंड कल्चर में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहता है वट इज दिलपज ऑफ इट मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ इंटरेस्टिंग एनिकडोट बताता हूँ मेरा ही है पर्सनल एनिकडोट है क्या कहते हैं सो so, मैं यूपीएससी एस्पेरेंट हुआ करता था एंड यूजली जो सिलेबस है वो पिछले दस सालों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ प्रलिम्स का सिलबस सेम ही होता था तो मैं भी आपकी तरह हिस्ट्री बेसिकली हमारा सिलेबस था जिसको पढ़ना होता था अब और मेरा ऑप्शनल था फिलॉसफी फिलोसफी और मेरा एक फ्रेंड है शशांक उसका भी ऑप्शनल फिलोस था तो हम दोनों के दोनों जब प्रिलिम्स में पेपर देने जाते थे तो हम फिलोसफी वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहते थे लाइक वी वर रेडिकल अबाउट द क्वेश्चन अब यूपीएससी प्रिलिम्स में क्या करता है बुद्धिज्म स्लैश जर्निज्म उनका एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑफ्टन रिपीटेड होता है मतलब कि आप पिछले पंद्रह साल बीस साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए प्रिलिम्स का हर प्रिलिम्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन बुद्धिज्म या जैनिज्म से रिलेटेड होता ही होता है मतलब इनवेरियबली होता है ठीक है so, Buddhism, से दोनों टॉपिक दोनों होते हैं ठीक है so, मैं और शशांक दोनों के दोनों इतने पैशनेट होते थे कि हमारा एक दूसरे के साथ मतलब वर कट्टर अबाउट इट हम ना ये सोचते थे कि अगर फिलोसफी से अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्वेश्चन आ गया वी विल अटेम्प्ट चाहे हमें आता हो या ना आता हो ये हमारी मतलब बेसिकली इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड कि इस क्वेश्चन को बुद्धिज्म के क्वेश्चन को जैनिज्म के क्वेश्चन को हम कैसे मिस कर सकते हैं सो ऑल दिस प्रिलिम्स विच आई गेव उन सब में बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे टोटल आठ क्वेश्चन थे कई बार दो भी आ जाते हैं एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम नो मैटर वट हैपन एंड ऑल ऑफ देम वर करेक्ट वी आर सो पैशन दिस इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी

वेन वी डू ऑल दोन ईयर्स उसको एनालाइज करके हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंशियट हिस्ट्री के मेडिवल हिस्ट्री के या आर्ट एंड कल्चर के वी कैन फिगर देम आउट ताकि हम उनके ऊपर फोकस कर सके अगले साल भी एक क्वेश्चन आएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म पे चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो ईजी हो नाव वेन वी नो दे आर गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस डोंट यू थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर ऑब्लिगेशन नाव की हम इसको मास्टर करें इस टॉपिक को दट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे ठीक है

unlike your system. My system actually hangs sometimes. Uh, the, good, the fun part about the uh, digital or the online education is that you can actually do it at your own convenience. However, that convenience is limited to your system and your internet. Jitna behtar internet, jitna behtar system, utni behtar convenience. OK, finally, we get it as usual. ऑलवेज गेट इट यूपीएससी का जो ये फाउंडेशन बैच थ्री है दिस इज द बैच थ्री जो कि कल बिगिन हो रहा है राइट देर आर अदर्स विच आर रनिंग ऑलरेडी लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिन से क्लासेस करनी है सो तो ये आपके लिए है एडमिशन लेने के लिए आपको यहां पर बाय नाउ करना पड़ता है जस्ट क्लिक ऑन दी बाय नाउ डोंट बाय इट फॉर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज उतना लेने की जरूरत नहीं है राधर आप प्रोमो कोड यहां पर जाकर आप एक प्रोमो कोड एंटर करेंगे ए एम आई टी एल आई वीई अमित लाइव से अमित लाइव का प्रोमो कोड एंटर करें

चालीस टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे आपकी प्रो, आपकी प्रोग्रेस को गेज करने के लिए कि कैसा परफॉर्म कर रहे हो प्रीलिम्स में एंड ऑबियसली द करंट अफेयर्स एंड दी स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अपने यूपीएससी के क्लियर करने के लिए राइट सो दैट वाज द नेसेसरी नेसेसरी पॉइंट ऑफ द डे बट द ओनली थिंग विच आई नीड टू रिमाइंड यू कि बैच जो है वो फर्स्ट ऑगस्ट को बिगिन हो रहा है विच इफ यू रियली थिंक हार्ड इज टमोरो मतलब कि बेसिकली हमारे पास ज्यादा समय नहीं है अपनी बस या अपनी ट्रेन या अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए वंस इट इज़ गॉन देन इट इज गॉन फिर आप वेट करेंगे अगले साल का और बैच का सो इफ वी आर टेकिंग एडमिशन्स आई थिंक वी आर टेकिंग दिस ईयर एंड जस्ट टू रिमाइंड यू वी आर टेकिंग एडमिशन्स विद दिस कोड अमित लाइफ बिकॉज वाई पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वैन वी कैन पे एटीन थाउजेंड रुपीज प्रिसाइसली राइट आई थिंक दैट दैट इज माई फॉर फिलोसफी ऑल्सो पर्सनली अब बिगिन करते हैं जो आज के पर्पस के लिए हम आए हैं राइट व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज बेसिकली आर्ट एंड कल्चर एंड द एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी में कौन से कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछती है एंड वी विल स्टार्ट विद द 2022 जो कि इस साल प्रीलिम्स हुआ था ठीक है 5 जून को जो प्रीलिम्स हुआ था इससे स्टार्ट करते हैं एंड आई आई एम सॉरी मैं चाहता तो नहीं था परंतु पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा भयानक है भयानक इन द सेंस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू रियली थिंक हार्ड अबाउट इट क्वेश्चन पूछिए उसके आंसर्स मुझे कमेंट्स में दे दीजिए फिर बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग तीन स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है तो कौटिल्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र उसमें से तीन स्टेटमेंट उस किताब में उसने कुछ कुछ लिखा है तो उस किताब में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट किसी भी आदमी को स्लेव बना सकता है अगर जुडिशरी ने उसको बोला है ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वॉज लीगली फ्री अगर कोई स्लेव है फीमेल है और उसको अपने मास्टर के द्वारा से कोई बच्चा जन्म दिया तो वो औरत फ्री हो जाएगी अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर द सन वॉज एंटाइटल टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन ठीक है नाजायज औलाद को भी बेसिकली मास्टर्स के सन का अहदा मिल जाएगा ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है या नहीं है ये स्टेटमेंट हमें बतानी है

It was highly unlikely कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था आपको पता हो और ये क्वेश्चन नहीं आएगा अगर अगले साल भी ऐसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा so ये नहीं आएगा नाउ दिस इज वेयर योर एनालिसिस कम्स इन टू कि देअर वुड बी सम क्वेश्चन सो डिफिकल्ट सो डीप कि वी वॉन्ट बी एबल टू सोल्व इट इन द्जामिनेशन ऑल इसका यह मतलब नहीं है कि अगले साल अर्थशास्त्र पढ़ के जानी है डोंग दी रॉन्ग कंक्लूजन इन टू दिक्चर की सर अगले साल अर्थशास्त्र पढ़ लू पूरी की पूरी? फिर पूरी अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन अब वो किसी और किताब से पूछेंगे मतलब क्वेश्चन जस्ट टू स्केर यू पैनिक यू क्रिएट पैनिक इन साइड दिनेशन आंसर उसका डी था तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही थी बट डोंबाउट इट एंशियट इंडिया okay, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो कौन सी किताब से पढ़ोगे दिस इज दुक ये किताब है जो हमें पढ़नी है एंशेंट इंडिया के लिए क्या नाम है इसका ओल्ड एनसीआर आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है ऐसा कवर होता था इसका अभी भी होता ही ऐसा ही कवर होता है यह किताब की ये जो है ठीक है अब यह किताब रामचरण रामशरण सॉरी रामशरण शर्मा एहस आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है इसलिए इस किताब को कहते हैं एंशेंट इंडिया आर एस शर्मा की हिस्ट्री अब ये किताब अगर आप एंशियट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और आर्ट एंड कल्चर का 50 परसेंट कंप्लीट करना चाहते हो सो दिस इज द बुक विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट ठीक है अब यहां पर एक बार क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एक बार इसका थोड़ा सा हल्का सा इंडेक्स देखते हैं कि ये हिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस करता है ओके दिस विल गिव इस वेरी गुड आइडिया स्टोन एज जहां पे पत्थर के टूल यूज करता था इंसान स्टोन कॉपर फेज जहां पे पत्थर के और कॉपर तांबे मतलब कॉपर से भी बेसिकली बनाने लग गया था उसके बाद आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन राइट एंशियट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं नॉट अ प्रॉब्लम एडवेंट ऑफ द आर्यंस रिग एज ऑफ ऋग्वेद लेटर वैदिक फेज स्टेट के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जैनिज्म और बुद्धिज्म पे फुल फ्लेजेड एक नया ब्रांड न्यू एकदम फुल चैप्टर है और इस question, इस क्वेश्चन चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आना, आना है है इससे बाहर से भी आता है, but again, now that we know कि पिछले दस साल में बुद्धिज्म और जैनिज्म क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बुक मगध एम्पायर द मैकेडोनियन इन्वेजन वर्न सोसाइटी इन बुद्ध मौरियाज अशोका के दादाजी जो थे एज ऑफ मौर्या सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य सेंट्रल एशियन एज ऑफ सतावनाज़, हाज डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ डीप साउथ के जो तीन अर्ली किंगडम है तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर अभी अभी हम देखेंगे संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली ओके क्राफ्ट ट्रेड टाउन्स इन द पोस्ट मौर्या गुप्ता एम्पायर वेरी इंपॉर्टेंट वन गुप्ता एज से भी एक क्वेश्चन आप समझ लो रेंड हर ऑल्टरनेट ईयर पे गुप्ता एद से एसोसिएटेड क्वेश्चन होते हैं हर्षन हिस्स टाइम्स पेनसुला के बारे में चालुक्या के बारे में ओके okay? और चालुक्याज एशियन कंट्रीज एंड सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंज लेगे एंशियंट बेसिकली अप्रोक्सीमेटली अगर आप टाइम लिमिट देखोगे तो कुछ कुछ मिला के आपको पता चलेगा कि जो 700 हंड्रेड एडी तक है वहां तक का इतिहास आपको पता चल जाएगा ठीक है स्टार्ट होता है स्टोन एज से तो स्टोन एज तो बेसिकली दस हजार बीसी से भी पहले की है ठीक है दस हजार बीसी से पहले की टेन थाउजेंड बीसी से अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड और 10,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक तो एक ही चैप्टर है दो चैप्टर है बेसिकली दो चैप्टर में है, फिर 1000 बीसी सेवन हंड्रेड एडी तक बेसिकली प्राइमरली सारी की सारी एंशंट हिस्ट्री है ठीक है आज बुद्धिज्म के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं दो हजार बाइस के आया था हिस्टोरिकल पर्सन है आर्यदेव क्या जैन स्कॉलर है दिग्निगा बुद्धिस्ट स्कॉलर नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर ठीक है वैष्णव यानी कि विष्णु ठीक है इसमें से पूछा है हाउ मेनी पेयर गिवन अब करेक्टली मैस्ड कौन कौन सही है डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं क्यों क्योंकि ये जो सिस्टम है ना क्वेश्चन पूछने का ये पहली बार 2022 में प्रयोग किया गया है कि पेयर्स में से नन ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री आपको ये नहीं बताना कि कौन सा सही है यू हैव टू गिव ए जजमेंट कि इनमें से कितने सही है ये नहीं पता कौन सा है डजेंट मैटर ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सही पता है गलत पता है मतलब कि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी कि गलत पता होगा तो भी सही आंसर कर दोगे ना द आंसर इज ओनली टू पेयर इसमें से दो पेयर सही है ठीक है ये ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है था बेसिकली अभी तो नहीं है एंशियंट हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री में सब था देर इज नो बडी अलाइव फ्रॉम दी एंशियंट हिस्ट्री एवरीथिंग इज था नाथ मुनि इज वैष्णव स्कॉलर लेकिन जो आर्यदेव थे वो जैन स्कॉलर नहीं थे राधर वो बेसिकली बुद्धिस्ट स्कॉलर थे एंड दैट इज द कंफ्यूजन अच्छा किसी ने सपोज करो तुक्का मारने की कोशिश की कोशिश और उसने बोला कि नाथमुनी वाला भी सही है वाला वाला गलत है है और नाथ मुनि भी सही है, तो तब भी उसका आंसर सही है मारेगा वो ओनली ओनली टू पेयर्स पे बट uh, ये डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है ये जो ऐसे आए हैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद ही आप बेसिकली एक सही कॉल ले सकते हो सो द आंसर इज बेसिकली सी चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप आंसर बता पाए पेयर वन इनकरेक्ट है आर्यदेव थर्ड सेंचुरी के एक नाग अर्जुन नाग अर्जुन बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट डिसम मतलब के एक फॉलोअर थे central figure in the development of Indian का अब माध्यमिक स्कूल, का अब एक basically philosophy का स्कूल है. माध्य, माध्यमिक मध्यम यू you नो know, जो बुद्धिज्म होता है वो मिडिल पाथ में बिलीव करता है यू you नो know, किसी भी चीज का एक्सट्रीम नहीं मिडल ऑफ ईच एंड एवरी सो दैट वर्ड माध्यमिक स्कूल इज अ फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म पेयर टू करेक्ट है दिग्निगा 480 से अस्सी सेट बिल्कुल बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लॉजिशियन है और उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है प्रमाण समुच्चय ठीक है कंपेंडियम ऑफ द ऑफ द नॉलेज प्रमाण मतलब प्रूफ राइट प्रमाण समुच्चय तो लॉजिक की किताब है लॉजिशियन है लॉजिक की किताब प्रमाण समुच्चय बुद्धिस्ट लॉजिक पेयर थ्री इज ऑल्सो करेक्ट नाथमुनी फाउंडेड अ संस्कृत तमिल स्कूल एट द द्रीरंगम विच कंटिन्यूज टू बी अ ग्रेट वैश्वनेट सेंटर इवन इन दिन इन प्रेजेंट टाइम्स तो एंशियंट इंडिया के बाद भी अभी भी टाइम ये वाला क्वेश्चन uh, आप इसमें से आंसर करके अगर आप दे सकते हैं इन हियर लेट्स सी व्हाट यू आर डूइंग चलिए खोल लू मैं आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे क्योंकि आंसर दो इसका भाई लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली माध्यमिक सूत्र वाइदी नाग अर्जुन माध्यमिक सूत्र वाइदी नाग अर्जुन एनी इसका आंसर कोई दे रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री तीन किताबों के नाम लिखे चार किताबों के नाम लिखे हुए हैं नैतिक परिशिष्ट अवदान अवदान शटक और त्रिश लक्षण महापुराण इसमें से जैन जैनिज्म के टेक्स्ट कौन से हैं मैंने बोला था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे आई थिंक uh, अभी से ही ज्यादा स्टार्ट हो गए मतलब इतने ज्यादा आते हैं इसका सही आंसर अगर आपके पास है तो बेसिकली बी बी इज बेसिकली टू एंड फोर परिष्ट परवन

साल में दो क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सो आई थिंक आई रेस्ट माई केस कि बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे यूपीएससी प्रियम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है इवन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड ठीक है इजी वन नॉट अ प्रॉब्लम लेट्स गो अहेड साइट ऑफ अशोक मेजर एडिक्स इन द स्टेट और उसकी लोकेशन कौन सी है? अशोका के समय के बारे में हम कैसे जानते हैं इज सो पॉपुलर वो इतना पॉपुलर कैसे है क्योंकि अंग्रेजों के समय में सेंचुरी में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई थी उसमें हमने देखा कि देश के चारों तरफ बड़े सारे से एडिक्ट हैं रॉक कट एडिक्ट यानी कि चट्टानों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है समथिंग हैज बिन लिखन एक तरीके की प्रसारण लिखा हुआ है तो वो रॉक कट एडिक्ट मिले और वही हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं मॉरियन एम्पायर के बारे में अलग अलग जगह पर है वो अलग अलग जगह पर से उनके नाम भी अलग अलग है जैसे कि धौली एरागुडी प्रदेश जौगुडा प्रदेश कलसी अब ये कहां, कहां पे है ओडिशा आंध्र मध्य और कर्नाटक अब सवाल ये है कि इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत है हाउ मेनी पेयर्स आर सही एंड हाउ मेनी पेयर्स आर गलत नाउ अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि आपको चारों के चारों जब तक नहीं पता है यू कांट इवन ऑल्सो स्टार्ट गेसिंग इट मतलब ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि ऑप्शन दे रहा है बट आपसे चारों के चारों का आंसर मांग रहा है द क्वेश्चन इज बी बी का मतलब ये होता है ओनली टू पेयर्स

द पॉइंट हेर इज दैट कि आप अकेले घर पर बैठ के इसको देख सकते हैं however, usually अगर मेरे साथ देखेंगे तो वी माइट एक्चुअली लर्न बेटर ना दिस इज धौली रॉक एडिक्ट एक प्रकार का हाथी चट्टान में से काटा गया चट्टान है इससे एसोसिएटेड पिछले पांच साल में दो क्वेश्चन आए हैं यू नो वाइट आर्ट एंड कल्चर की किताब खोलो अपने पास इलेवंथ क्लास वाली चैप्टर नंबर थ्री खोलो और देखो कि ये रॉक कट एडिक्ट ये रॉक कट एलिफेंट धौली का रॉक कट एलिफेंट जो है इसके बारे में कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है यू विल बी सरप्राइज्ड

तो उन्होंने अपने कविताओं में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो वर्ण की जो क्लासिफिकेशन होती है वो पता हो संगम हैव अ रेफरेंस टू दी वॉरियर एथिक हैव नो 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 रेफरेंस रेफरेंस टू वॉरियर एथिक संगम लिटरेचर टू मैजिकल फॉरेस्ट एज इेशनल ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है एक्चुअली में ये स्टेटमेंट सही है ऑब्वियसली संगम पोएम के अंदर वॉरियर एथिक्स है इसमें कोई शक की बात नहीं है अगर हमने अच्छा ये जो आप बात है हमें इसके लिए संगम लिटरेचर को खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है वो जो एंशियट हिस्ट्री की किताब में संगम लिटरेचर से एसोसिएटेड टॉपिक है वो आपको ये सारी की सारी चीजें डिस्क्राइब करके देता है कि वट एक्जैक्टली exactly संगम लिटरेचर वट डज इट टेल अबाउट इट एक्चुअली टेल्स अबाउट द मटेरियल कल्चर ऑफ टाइम्स, इट एक्चुअली टेल्स अबाउट दर्न ऑफ दो इट गिवस यू दॉरियर एथिक ऑफ पर्टिकुलर टाइम जिस समय की संगम लिटरेचर है एंड इट रेफर्स टू मैजिकल फोर्सिस एज नॉट इेशनल बट राधर समथिंग टू बी वर्श अपॉन सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ठीक है तो इ सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड वॉज नोट टू द संगम पोएट्स ग्रेट वन नाउ चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनग्रेट किया था न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का बट करंट अफेयर से उठाया हुआ है ठीक है 2022 का ही क्वेश्चन है ये ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑज करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल अब आप सोचिए कि आप करंट अफेयर में कुछ देखेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कोई इनाग्रेशन किया है सोमनाथ टेम्पल की तो आपको लगा कि ये करंट अफेयर इसको याद कर लेता हूं बट यूपीएससी थिंग्स वन स्टेप अहेड दे अहड करंट अफेयर दे वी लाइक होल्ड ऑन फॉर स्टेप

कृष्णन राधा कृष्णन का बर्थडे किस लिए मनाते हैं टीचर्स डे ओके इसमें से कौन से सवाल कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है बता दोगे या मुझे बड़े है. एक गलत लग रहा है इसमें से मुझे आई थिंक वन ऑफ दम इज रॉन्ग क्वेश्चन इज विच वन वन इज द रॉन्ग ट्वेल्व ज्योतिर्लिंग है बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने ट्वेल्व ट्वेल्व ज्योतिर्लिंग है नो डाउट्स अबाउट इट ग्रेट चलिए अब मैं आंसर देख के चलूंगा यार आई एम एक्चुअली गोइंग टू लुक फॉर होल्ड ऑन मैं आपके मैसेजेस आपके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं क्योंकि कमेंट्स पढ़े बिना मजा नहीं आ रहा है ठीक है सी कह रहे हो वन एंड थ्री ओनली समूह सोमनाथ नहीं है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन वन एंड टू ने की थी बट इट वॉज नॉ दस राधाकृष्ण राधर इट वॉज राजेंद्र प्रसाद स्टेटमेंट सही है is one of the and की ने भी दी है दिस इज ऑल्सो राइट की प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाई द प्रेजिडेंट नॉट एस राधा कृष्ण राधर राजेंद्र प्रसाद दस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली डिड इट ही इज नॉट इज द इज वाइट तो बेसिकली थर्ड जिसमें भी था ये काट सकते थे, हम ऑटोमेटिकली जिसको थर्ड पता था आंसर हो जाता इजी में काउंट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को ठीक है दिस इज एन इजी क्वेश्चन इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट चलिए पिछले साल के 2022 के आर्ट एंड कल्चर के हिस्ट्री के, के क्वेश्चन हो गए के में चलते हैं क्या हो गया विच वन ऑफ द एंशेंट टाउन इज वेल नोन फॉर द इलेबरेट सिस्टम ऑफ वटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट वाइज बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वॉटर इंटू कनेक्टेड तो एक ऐसा बहुत एंशियंट टाउन जो कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है पहले तो मुझे बताओ किस एंशियंट की बातें कर रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर रहने दो छोड़ो भाई चार हजार पांच हजार साल तक का है कौन से एंशियंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं ये बता दीजिए मोहनजोदारो राइट हड़प्पा एन मोहनजोदारो के बारे में बात कर रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदारो अब इसका आंसर सरल है मैं वैसे ही बता देता हूं ढोलवीरा नाउ दिस इज इजी क्वेश्चन इन द सेंस ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहा है पिछले 20-25 सालों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें वहां के शहरों के बारे में पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी सिटी है कौन कौन सी सिटी है और उन कौन कौन सी सिटी में हमें लास्ट में हर सिटी में किस चीज की इंपॉर्टेंस है किस लिए कोई आ, कहीं पर चूड़ियां बनने की फैक्ट्री मिली है कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है कोई पोर्ट है कोई ट्रेड के लिए जाना जाता है कहीं पर किसी पर्टिकुलर जानवर की हड्डियां पाई गई थी कहीं पर कोई ग्रेनरी पाई गई थी इतना याद करना होता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन ढोलवीरा इज बेसिकली ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट तो एंशियंट सिटी जो ढोलवीरा में है ढोलवीरा है कहां पे चलो आंसर तो तुमने बताई दिया टेल मी द ढोलवीरा ढोलवीरा कहां पे है व्हिच व्हिच स्टेट व्हिच प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंडिया तो वेल प्रिजर्वड थर्ड टू मिड सेकंड मिलेनियम बीसी डिस्कवरी उन्नीस में इसे मिली थी और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानी जाती है गुप्ताज के डिक्लाइन फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन दी अर्ली सेवनटीन सेंचुरी कौन कौन से किंगडम नदन इंडिया में पाए जाते थे अच्छा देखो एक मॉडर्न हिस्ट्री हम कर चुके हैं ना थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल टू द राइज ऑफ ब्रिटिशर्स इस बीच में इंडिया में कौन कौन सी रीजनल पावर्स थी सिंपल क्वेश्चन है तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको क्या कौन कौन सी रीजनल पावर थी बंगाल के नवाब थे माइसूर थे मराठास थे निजाम ऑफ हैदराबाद थे और पंजाब में राजा रंजीत सिंह जी थे महाराजा रंजीत सिंह एंड नवाब ऑफ अवध थे मोटा मोटी यही हो गया सिमिलर क्वेश्चन बट एंशियंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ और हर्षवर्धन का राइज हुआ इसके बीच में एट दैट पर्टिकुलर टाइम रीजनल राजा कौन कौन से थे नदर्न इंडिया के ही पूछे गए अच्छा वो साउथ के पूछे नहीं गए अब इसका आंसर डिफिकल्ट इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है बट अगर एंशेंट हिस्ट्री पढ़े होते तो सरल क्वेश्चन है द आंसर इज इज एंड ओके सो ये ऑफ मालवा दैट नॉट पार्ट और जो ये हमारा फिफ्थ वाला है द यादवाज ऑफ द देवगिरी क्यों क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं जो यादवा डायनेस्टी है वो ट्वेल्थ टू फोर्टीन सेंचुरी सो मतलब हम इस समय कौन सी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दी अर्ली सेवेंथ सेंचुरी हम अर्ली सेवन्थ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं तो यादव डायनेस्टी ट्वेल्थ टू फोर्टीन सेंचुरी है तो वो हमारे चैप्टर में वैसे भी नहीं आएगी और उसके बाद हमारे पास हमने हटाया परमानस और मालवास को ठीक है डिक्लाइन ऑफ मोस्ट वर परमार डायनेस्टी ये जी परमार डायनेस्टी परमार डायनेस्टी नाइन से फोर्टीन सेंचुरी एडी में आसान uh, तो नहीं मैं आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी टू आंसर बट द क्वेश्चन इज दैट इट इज प्रीटी मच गिवन वेरी फॉरवर्ड अच्छा मैंने एज फार एज अमित किलोर इज कंसर्न हिस्ट्री पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है वी शैल नो द्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी टाइमलाइन पता होनी चाहिए ओके दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच वी लर्न टू विच वी टेक टू लर्न हिस्ट्री तो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जरूरत जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वेन एवर वी हियर समथिंग वी शेड ऑलवेज नो अबाउट द टाइम ऑफ वट वी आर टॉकिंग अबाउट तो जब मैं परमार डायनेस्टी बोलूँ तो जैसे ही मैंने परमार डायनेस्टी बोला तो ऑटोमेटिकली तो कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो आपके दिमाग में कभी भी पांच सौ बीसी नहीं आती बुद्धिज्म के बारे में सोचते हो तो आपके पास इमीजिएटली पांच सौ बीसी आती है इसी प्रकार से वेन वी डू दीज स्लाइटली लेस नोन हिस्ट्री कम कम जो पता होती है

कास्ट के लिए था और दया भाग जो था वो सिविल ला लोअर कास्ट के लिए था दूसरा मिताक्षरा सिस्टम में सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफटाइम ऑफ फादर वेर इज इन दया भाग इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी गाइस, माई क्वेश्चन टू यू इज आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में आज टूडे कब अपना हिस्सा मांग सकते हो वेन द फादर इज अ और वेन द फादर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर तो ये इसके बारे में मिताक्षर सिस्टम डील विद मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली वेर एज दया भाग सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली यहां पे यूपीएससी ने आपके सामने एक ट्रिक दी है जिसको आप पूरी आसानी से पहचान सकते हो अगर ये स्टेटमेंट सही है देन ये स्टेटमेंट्स इसके साथ क्लैश कर रही है मतलब कि दीस टू स्टेटमेंट्स आर इन डिसोनेंस विद ईच अदर ये कह रही है कि मिताक्षरा अपर कास्ट के लिए सिविल लॉ है और दया भाग जो है वो लोअर कास्ट के लिए है दिस वन इज सिर्फ मेल फैमिली मेल मेंबर्स के लिए है और दिस वन इज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स के लिए वन ऑफ दीज स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग मतलब कि देर इज ए डिजोनेस सही भी हो सकती है बट अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे देर इज यू विल सडनली फील कि कुछ तो गड़बड़ है अच्छा देखो मैं वैसे बताता हूं कि दिस इज रॉन्ग फर्स्ट वन इज रॉन्ग ठीक है है क्वेश्चन हिस्ट्री में दिया हो कोई बड़ी बात नहीं है सरल है पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री करेंगे अपनी लाइफ फाउंडेशन क्लास में सो वुड बी एक्चुअली काइंड ऑफ केक वॉक फॉर फॉर अस तो मिताक्षरा सिविल लॉ अपर कास्ट ये दोनों के लिए अप्लाई होता था सिमिलरली दया भाग जो है वो भी दोनों के लिए अप्लाई होता था रीजन डिफरेंट थे रीजन डिफरेंट थे तो मिताक्षरा यूजुअली ऑल नॉर्थ इंडिया में रहता था और जो दया भाग लॉ था ये बंगाली बंगाल वाले रीजन में अप्लाई होता था सो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग तो स्टेटमेंट वन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया अब सवाल यह कि अब आपको बेसिकली आंसर पता है या नहीं पता है कि कौन से वाला आंसर सही है सो दिस इज राइट 100 परसेंट सेकेंड अगेन मिताक्षर जो है वो सब पर अप्लाई होता है ठीक है this is not specifically, particularly नहीं है दिस इज नॉट स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली नहीं सो दिस इज बी इज दी ओनली आंसर अच्छा आपने मॉडर्न इंडिया की किसी ने अगर बाई चांस हाइपोथेटिकली मॉडर्न इंडिया की आ, जो हम एनसीयू डिस्कस कर रहे थे अगर आपने वो अटेंड की थी तो मैं जानना चाहता हूं विच वन यू लाइक मोर इज दिस वन क्योंकि मुझे दिस इज मोर डिफिकल्ट राइट इसमें जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं इज इन जनरल डिफिकल्टी लेवल इसके अंदर ज्यादा होता है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशंट इंडिया पुराने इतिहास के बारे में बात करें तो भावभूति हस्तीमाला और शमेश्वरा क्यों फेमस है कौन है भाई ये लोग सिर्फ इतना सवाल और एक, दिस इज सो इजी इट्स लाइक कि शाहरुख खान सलमान खान और आमिर खान क्यों जाने जाते हैं और फिर उनका नाम रख दिया राइट right? या विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर क्यों जाने जाते हैं और फिर उनके प्रोफेशन लिख दिया दिस इज द क्वेश्चन तो हिस्ट्री में भावभूति हस्तीमल और कौन है वो डू दे डू इजी क्वेश्चन इज बेसिकली दे आर दी प्ले राइट माई फ्रेंड्स दैट माई फ्रेंड इज प्रिस इजी आसान था इसको तो मतलब इसमें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की जरूरत नहीं है यू विल रीड द बुक एंड विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू भावभूति के प्लेस के भी नाम आपको याद होने चाहिए द आस्क यू लेट मी गिव यू देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग जो कि भावभूति के प्लेस कौन कौन से हैं वो पूछे जाएंगे चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट भावभूति आठवीं सेंचुरी का स्कॉलर था प्ले और पोएट्री लिखता था संस्कृत में हस्तीमाला तेरहवीं सेंचुरी का था कन्नड़ पोएट और राइटर है और शमेश्वरा अगेन नाइन नाइनटी मतलब कि भावभूति के समय का ही है भावभूति के दो सौ साल वॉजन इलेवंथ सेंचुरी सॉरी इलेवंथ में आ गया ना टेंथ हाँ तो इलेवेंथ सेंचुरी का संस्कृत का पोएट है कश्मीर का टू दशावतार चरित्र दशावतार किसको कहते हैं रावण रावण के ऊपर कविता लिखी शमेश्वरा ने और वो भी कश्मीर के पोएट ने आओ अमेजिंग राइट श्रीलंका है जो कि बिल्कुल एकदम कन्याकुमारी के आगे है और ये कश्मीर का एक पोएट है शमेश्वरा जो कि रावण चरित्र के ऊपर या दशावतर चरित्र के ऊपर किताब लिखा गया विद रेफरेंस टू दी चौसठ योगिनी टेम्पल चौसठ मीन सिक्सटी फोर नियर मोरना कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ सर्कुलर टेम्पल ड्यूरिंग दी एक टेम्पल है लेकिन सर्कुलर शेप में है जिसको कच्छा पगता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था

दिस like कभी पार्लियामेंट को ऊपर से देखा है कुछ कुछ ऐसा ही सेंट्रल विस्टा का जो प्लान है वो somehow or the other, it has been speculated कि बेसिकली इसी चौसठ योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड है सो so नाउ दिख रहा है आपको आंसर तो दिख गया ही से. ओहो oh, मैं नहीं दिखाना चाहता था आंसर क्या है इसका आंसर बेसिकली वन सी है सो यस यू आर राइट आपकी ये वाली बात सही है इट इज अ सर्कुलर टेम्पल येस इट डिजाइन इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडियन अच्छा पहले इंडियन पार्लियामेंट भी दिखा देता हूं इंडियन पार्लियामेंट तभी तो पता चलेगा दिस इज चौसठ योगिनी टेम्पल एंड लेट्स गो ऑन द इंडियन पार्लियामेंट ओके इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग ओके लेट्स सी सी लेट्स एरियल व्यू देखना पड़ेगा एरियल हा सो दिस इज द इंडियन पार्लियामेंट आई थिंक सो और इज इ चौसठ योगिनी टेंपल दिस इज चौसठ योगिनी टेम्पल एंड दिस इज इंडियन पार्लियामेंट हाउसिमिलर राइट ब्रिलियंट राइट सो ये चौसठ योगिनी टेंपल है एंड दैट इज इंडियन पार्लियामेंट इंटरेस्टिंग नो वट आई मीन टू सेट की ज ओनली सर्कुलर ऐसा नहीं है तो टू कट गया तो हमारे पास ऑप्शन बचाई सी इट इज दर्कुलर दिस स्टेटमेंट द काइंड ऑफ डिस्क्राइबिंग स्टेटमेंट की पूरे देश में एक ही सर्कुलर टेम्पल है यह इमीडिएटली दिमाग में कान में घंटी बजा देनी चाहिए ऑन दिस स्टेटमेंट जो है आंसर दे ऐसा नहीं है कि ऐसी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती देर आर सर्टन थिंग्स एक ही है वो दुनिया के अंदर राइट बट ये क्वेश्चन जो है, this actually might give you a hint कि इसमें हमें आंसर लेना है या नहीं लेना है वट एग्जैक्टली इज इसके बारे में वी हैव टू क्वेश्चन इट कि हाँ ये है तो है। टेम्पल वॉज बिल्ट बाय दी कच्छा पगटा किंग देवपाल स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट ऐसा नहीं है और भी कई सारे सर्कुलर हैं ठीक है थीके? और स्टेटमेंट फोर बिल्कुल करेक्ट है हमारा जो पार्लियामेंट है देखा तो कंफ्यूज भी हो सकते थे मैं तो कभी कभी चौसठ योगिनी टेम्पल को ही बेसिकली पार्लियामेंट की बिल्डिंग देख रहा था चलिए वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अजंता केव्स वघोरा रिवर पे है सांची स्तूप चंबल रिवर पे है पांडुलेना केव नर्मदा रिवर पे है अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर पे है वाव इज दैट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और नॉट आई बी ऑनेस्ट विद यू दिस इज डिफिकल्ट

पांडुलेना केव्स जो है वो गोमई रिवर पर है एंड ऑप्शन डी अमरावती स्तूप जो है वो कृष्णा रिवर पर है अच्छा मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ लोग नहीं मानते हैं कई बार सी व्हेन वी डू दीज क्वेश्चंस ना अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का क्या रोल है आपकी लाइफ में ये तो अगले साल तो आएगा नहीं, नहीं आएगा बट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सांची स्तूप के बारे में सब पढ़ लो सांची स्तूप के बाद गोमई रिवर के बारे में सब पढ़ लो पांडुलेनी केव के बारे में सब पढ़ लो नासिक के उस केव्स तीर, तीर्थंकर लेनी पंच पांडव पांडव लेनी जैन इन के, के बारे में अब हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यूपीएससी हैज ऑलवेज ऑलरेडी गिवन यू हिंट कि अगले आने वाले एक दो तीन सालों में से कौन सा क्वेश्चन वो पूछेंगे इस बार उन्होंने अजंता कर लिया अजंता बुद्धिज्म से एसोसिएटेड रेगुलर क्वेश्चन आते हैं अजंता पे ठीक है हर चार साल में एक क्वेश्चन अजंता पे आते जाता है अब ये आपने इनको और चार बता दिया कि भाई मैं यूपीएससी बताना चाहता कि पांडु लेना एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस वन डे और अदर याद करके रखना सिमिलरली द पांडव लेने के बाद अमरावती स्तूपा ये रैंडमली नहीं आया क्वेश्चन दे आर एक्चुअली टेलिंग यू ये फ्यूचर प्रिडिक्ट हो रहा है आप लोगों के लिए आप शुड बी विजनरी इनफ टू अंडरस्टैंड कि दिस इज माइट बी द फ्यूचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है यूनिसेफ के द्वारा डिक्लेयर है. है क्या चेक इट ऑन गूगल राइट नाउ इज इट

ऊपर से 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये भी बहुत मुश्किल था मतलब डे तो हमें चलो थोड़ा सा पता भी है टीचर्स डे भी मालूम है चिल्ड्रंस डे भी पता है हल्का फुल्का कोशिश करोगे तो एनवायरमेंट डे भी याद हो जाएगा बट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आई लियन लाइकली तो ये क्वेश्चन तो नहीं होना था जिस साल भी आना था ये होना नहीं था परंतु हाँ ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत है एक तो डिफिकल्ट स्टेटमेंट और ऊपर से ट्रिक पता है क्या ट्रिक है ट्रिक ये है कि यूनिसेफ नहीं यूनेस्को राइट right, कि इक्कीस फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एक तो ये हमें कैसे? वैसे कौन सा पता था बट चलो ये बात है बांग्ला दिस इज यस टू ओनली इज बेसिकली करेक्ट आंसर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई ये तो नहीं होने वाला था ठीक है कोई समस्या कोई समाधान ही नहीं था इस क्वेश्चन का सो ऑप्शन बी इज करेक्ट तो ये यूनेस्को ने ये कैच है यहां पे क्योंकि उन्होंने यूनिसेफ लिख दिया है एग्जामिनेशन हॉल अंडर दैट स्ट्रेस एंड द डरेस उस पैनिक के द्वारा हमें यह आइडेंटिफाई करना था गोइंग टू डू इट इसीलिए तो कट ऑफ कम जा रही है विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल बी हो एंड क्या है वट इज दिस अगेन वो वैसे क्वेश्चन जैसे अभी पूछा ना तीन लेखकों के नाम दे दिए प्ले राइट्स के और फिर पूछा है, ये क्या करते थे क्या करते हैं शाहरुख खान सलमान आमिर खान क्या करते हैं है ना उसी प्रकार से इसी प्रकार से क्वेश्चन है है हो एन कुई? ये क्या अगेन इजी क्वेश्चन कोई साइंस नहीं लगाना ट्राइबल लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेजेस है सिंपल करंट अफेयर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर है आर्ट एंड कल्चर में लैंग्वेजेस वाले चैप्टर में अगर आपको कुछ भी याद नहीं है यू जस्ट रीड इट रैंडमली रीड करना है और कोई भी पॉइंट याद नहीं है

वहां के पर्टिकुलर एक वर्ड को चुनते हैं वो ठीक है वर्ड को और पूछते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है उस समय के वर्ड के उस उस समय के अकॉर्डिंग ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन ऑफ दी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ दी यूपीएससी प्रीलिम्स है जैसे कि सपोज कीजिए आज से 400 साल पहले 400 साल बाद आज से 400 साल चार सौ साल बाद किसी दिन पूछा जाएगा कि फोमो का मतलब क्या है आज की लिंगो है ना हम फोमो यूज करते हैं ये वर्ड तो आज से 400 साल बाद किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा ये वर्ड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के जो लोग थे वो फोमो से क्या मीन करते थे सिमिलरली हुडी का मतलब क्या होता है कैन यू गेस और कैन यू गिव मीन आंसर इट इज बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज राइट मैमिट इजी है सरल क्वेश्चन था वर्ड हुडी होता भी वैसा ही है यार हुडी इज दी आंसर कोई समस्या की बात नहीं है हु दी फॉलोइंग रूरल एडवाइस इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन तो अलग अलग राजा जो होते थे उस समय उनका तरीका होता था कि अपने जो प्रजा होती थी उनको एक इंस्क्रिप्शन के द्वारा कुछ कुछ बताया करते थे तो किसी एक राजा ने अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखाया कि जो अपने अपने रिलीजियस सेक्ट को प्रेज करता है और दूसरे को ब्लेम करता है अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए और दूसरे को नुकसान अपने को ग्लोरीफाई करने के लिए और दूसरे को नुकसान तो वो खुद का ही नुकसान कर रहा होता है ये किस राजा के द्वारा कही हुई किसके एडिक्ट के द्वारा किसकी इंस्क्रिप्शन के द्वारा कही हुई बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है राजा अशोक महाराज अशोक के काम थे ये महाराज अशोक के काम थे करेक्ट आंसर इज बेसिकली अशोक ठीक है सो आई थिंक विल गो मूव फॉरवर्ड विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ़ द गुप्ता डायनेस्टी इन द इंडिया घंटाशाला कदूरा और चाउल ये क्या भाई ओके नॉट टू लाफ बट अगेन लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिविंग यू वर्ड्स एंड दे आर जस्ट आस्किंग यू द मीनिंग मतलब कि अगर हम एंशेंट इंडिया की बुक से जो भी अजीब सा वर्ड हो सिर्फ उस वर्ड को लर्न कर ले आई थिंक वी आर रेडी टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दिस इज लाइक फोर्थ क्वेश्चन राइट इन अरो ये चौथा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ दी वर्ड घंटाशाला कदूरा और चौल है क्या भाई ये सिर्फ इतना पूछा गया है अब ये सिंपल है दे आर दोर्ट्स हैंडलिंग फॉरन ट्रेड ठीक है आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको नहीं पता था तो साइंस वाली बात नहीं करेक्ट आंसर ट्रेड थीके? अलग, -अलग जगह के नाम है बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट होते हैं महायान और हीनयान दो मेजर सेक्ट हैं पूछ रहे हैं किस महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है लोकता सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगी का सेक्ट बुद्धिज्म डीफिकेशन ऑफ बुद्ध बाई महासंगिक फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म ऑफ द बुद्ध मतलब बुद्ध की मूर्ति पूजा करना डीफाई कर देना बुद्ध में बुद्धिज्म में दो प्रकार के सेक्ट होते हैं एक तो हीन यान जो कि बुद्ध की पूजा करता है लेकिन उसकी मूर्ति पूजा नहीं करता है वो बोलता है कि बुद्ध को मूर्ति में नहीं बना सकते हैं और बुद्ध की मूर्ति की पूजा करनी भी नहीं चाहिए एक होता है महायान बुद्धिज्म जो की बुद्ध की मूर्ति बना के उन मूर्तियों की भी पूजा करता है एज अ बुद्ध और जो हीनयान होता है वो सिर्फ सिंबल्स बुद्ध के सिर्फ सिम्बल्स की पूजा करता है ठीक है तो ये डीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है अब एज आई टोल्ड यू बुद्धिज्म पे क्वेश्चन हर साल आ रहा है इज राइट राइट इन इन फ्रंट फ्रंट ऑफ ऑफ यू 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 द एविडेंस सो डोंट हैव टू बिलीव मी कैन एक्चुअली मतलब आप देख सकते हैं अब इसका आंसर मुझे कोई जल्दी से बता दे द क्वेश्चन इज टू एंड थ्री ओनली ये जो स्था विंस हैं ये थे स्कूल से बिलोंग करते हैं तो पहले वाला तो गलत हो गया बाकी वाला स्टेटमेंट टू इज करेक्ट स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू दैट इज अ डिफिकल्ट आंसर ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था

राइटर्स हैं या उनके टेक्स्ट को लिटरेचर में लिख के किसी प्रकार का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है महासंघिकाज बिलीव इन ऑफ हु आर एंड हेल्ड दैट पास फॉर गौतम बुद्ध इन इज अर्थली एक्सिस्टेंस वॉज ओनली एन भाई देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि थॉटिज्म में एक सेक्ट है महासंघिकाज इनका ये मानना है कि बुद्ध बहुत सारे हैं देर आर इंफिनिट नंबर ऑफ बुद्ध और जो हमारे यहां पे जो बुद्ध था जो गौतम बुद्ध था वो एक अपेरिशन था एक प्रकार की परछाई थी असली बुद्ध तो हमने देखे ही नहीं हाउ हाउ इंटरेस्टिंग दिस थॉट इज वट काइंड ऑफ बुद्धिज्म यू बिलीव इन टू डू यू वर्शिप बुद्ध एज अ बुद्ध एज अ गॉड डू यू थिंक गौतम बुद्ध वॉज अ गॉड और गौतम बुद्ध वॉज अ मैन और गौतम बुद्ध वॉज एन अपेरिशन वो डू यू थिंक But this is amazing, this is interesting. If, uh, uh, let me be honest, this is absolutely lovely, interesting. So, with reference to the cultural history of India, consider the following pairs. Again, cultural history: uh, Parivara Zaka, Renunciant, and the Wanderer. Again, meaning: look again, it's just the meaning of the word. श्रमण प्रीस्ट विद हाई स्टेटस उपासक ले फॉलोवर बुद्धिज्म तो ये तीन वर्ड हैं बुद्धिज्म से या उस समय से एसोसिएटेड ऑब्वियसली उस समय से एसोसिएटेड एंड वी जस्ट हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सिर्फ मीनिंग पूछना है कि प्रिवराजक क्या होता है रिनशिएट और वॉन्ड्रर होता है श्रमण क्या होता है प्रीस्ट विद हाई स्टेटस होता है उपासक कौन होता है ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म होता है या नहीं होता है इसका आंसर दीजिए द क्वाइट आंसर इज हैज ओरिजिन इन इंडियन इट्स संस्कृत स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वॉन्ड्रर जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं बंजारों की तरह घूमते हैं उसको उस समय में बुद्ध के समय में परिवारजक कहा जाता था ठीक है इजी हो गया द टर्म श्रमण इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज प्रीडोमेंटली यूज एन एपिथेट फॉर द रिशीज विद रेफरेंस टू दि श्रमण एसोसिएटेड विद मॉन्क्स तो स्टेटमेंट टू इन है तो श्रमण उन लोगों के लिए यूज होता था जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे राधर देन द प्रीस्ट विद स्टेटस और थर्ड वाला उपासक यस yes, उपासक इज द ले फ़ॉलोवर, पाली अटेंडेंट दिस इज टाइटल ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म तो ये बिल्कुल सही है ये अच्छा पकड़ा गया है एग्जैक्टली exactly. चलिए आप जवाब दीजिए आर यू लाइकिंग इट और नॉट इज क्वेश्चन। बताए और बताओ स टू बुद्धिजे क्वेश्चन आ रहे हैं आई थिंक ओके वी आर गॉडिंग डन विद रेफर टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ दॉंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दी टर्म पराम एक काम करते क्लास खत्म कर देते बताऊ क्यों आई थिंक वी फिगर्ड इट आउट आई थिंक यूपीएससी को बेसिकली वर्ड्स वर्ड्स के मीनिंग पूछने एंशियंट एंजिस राइट वी है पूरा का पूरा एनालिसिस बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन आते हैं और जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग पूछ रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हमसे पूछ के अच्छा दिस ऑल्सो टेल्स की एंशियट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जितनी डिफिकल्ट लगती है उतनी है नहीं दिस इज एक्चुअली इजी राइट यू डोंट हैव टू मतलब तीन चार बच्चों के बस हमें यह पता होना चाहिए ये आदमी प्ले था या नहीं था हमें बस टाइमलाइन पति होनी चाहिए राज्यों की और उससे टाइमलाइन से ही बेसिकली आंसर निकल रहा है कौन सा राज्य कहाँ था परमार डायनेस्टी कब थी यादव डायनेस्टी कब थी एंड वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए सारे के सारे एंशियंट और हिस्टोरिकल वर्ड जो एनसीआर में दी हुई है उन सबकी लिस्ट बना लो और थोड़ा सा उनके ऊपर रट्टा लगा लो वी आर डन परामिताज क्या होते हैं परामिताज होते हैं परफेक्शन अटेनमेंट लेड टू दी बोधि सत्व मैं सच्ची बता रहा हूं मैं जब आज प्रिपेयर कर रहा था लेक्चर के लिए तो मैं सोचा था कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेट किए एंड आई रियलाइज कि पिछले दस साल में बुद्धिज्म और जैनिज्म पे अट्ठारह से बीस क्वेश्चन आए हैं टॉपिक विच इज विच विल रेडिली गिव यू फोर मार्क्स एवरी इज डेफिनेटली द बेस्ट टॉपिक एवर तो परामिताज क्या होते हैं अटेनमेंट लीड्स टू दी देन नेक्स्ट ईयर पता क्यों? ये पूछेंगे परामिताज होते कौन कौन से Ten परामिताज होते हैं जनरोसिटी मोरालिटी पेशेंस एनर्जी मेडिटेशन विजडम स्किलफुल मीन्स रेजोल्यूशन पावर एंड नॉलेज बुद्धिज्म में जितना भी डिफिकल्ट चीज है जितनी भी चीजें डिफिकल्ट होती हैं उतनी भी चाहे कुछ भी हो जाए आपको उससे ज्यादा याद करानी उसको याद करते रहिए सो दिस हैज ऑलरेडी गिवन यू ए हिंट फॉर द अपकमिंग क्वेश्चन क्या अपकमिंग क्वेश्चन क्या है यूपीएससी विल वन डे आस्क यू की परामिताज वट एग्जैक्टली इज दामिताज और कौन से दस परामिता होते हैं यानी होते हैं नाउ वी नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन बिफोर यूपीएससी विज एवर गोइंग टू आस्क यू ओके दिस इज द क्वेश्चन विच ऑलरेडी डन कि कौन से रूलर्स ने ये इंस्क्रिप्शन लिखी है सो so ऑब्वियसली इसका आंसर अशोक है सो वी आर डन विद दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट ठीक है ये क्वेश्चन हमें पहले से ही आता है चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अरपन साइट यार कौन कहता है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री डिफिकल्ट होता है मतलब कि सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है चानू ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी मोहनजो उसमें कोट डीजी नाम की कोई जगह थी या नहीं थी ये बता दो ये वर्ड वहां पे उस पिक्चर में यूज हुआ था या नहीं होता ये बता दो अगर ये बता दोगे तो भी मैं तुमको इनाम दे दूंगा थोड़ा सा ठीक है सो करेक्ट आंसर इज सोहड़ा चाहन दूरो, कोट दीजी लोथल मोहनजोदारो हड़प्पा कालीबंगन धोलवीरा रोपड़ ये सबकी सब, सब हड़प्पन साइट है चैप्टर खोलोगे यही है यही याद करना है कुछ भी नहीं करना है हड़प्पन साइट पे तो अच्छा हड़प्पा के साथ सबसे बेस्ट बात क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस पे इंचेंट इंडिया का एक चैप्टर है एक ही चैप्टर में दी गई है सेकंड थर्ड ओपनिंग चैप्टर में एट इंडिया में बहुत अच्छी तरह से वो वाला क्वेश्चन पढ़ना है Minimum, पांच रिविजन चाहिए चलिए आगे चलते हैं विद रेफरेंस टू दी फोर्स लेबर ठीक है फोर्स लेबर का एक वर्ड है विष्टि जिसे कहते हैं इन इंडिया ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड तो गुप्ता पीरियड में जो लोग फोर्स लेबर करते थे उस फोर्स लेबर के सिस्टम को विष्टि जैसे बेगार यू नो वर्ड द बेगार सिमिलरली समथिंग लाइक बेगार का ही एक वर्जन है बेगार फोर्स लेबर अनपेड लेबर उसी प्रकार से फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट सो अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली <laughs> देखो ये तो गलत हो ही जाएगा आई बिलीव ये तो फोर्स लेबर के कॉन्टेक्ट से ही गड़बड़ हो गई लेबर अब इसका जो आंसर है गुप्ता पीरियड के समय में कुछ लोग फोर्स लेबर कर सकते थे करते थे और फोर्स लेबर इसलिए चलता था क्योंकि स्टेट को लगता था कि दिस इज बेसिकली Being paid by the This is अगर लेबर वॉज सेंट एज दर इट कुड प्रोबेबली बिन पॉसिबल बट अगेन इट्स एजी क्वेश्चन गुप्ता पीरियड को जैसी पढ़ते हैं विष्टि जो है वो काफी सामने ही किताबों में अच्छी तरह से लिखा होता है ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं होता है बट लेट मी अगेन टेल यू रिपीट इट अगेन अपन हम बंद कर सकते हैं अब इसको पता क्यों क्योंकि हमने एनालाइज कर लिया है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो भी कोई ऐसा वर्ड हो हिस्टोरिकल वर्ड जो कि सिर्फ उसी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है हमें अब अच्छी तरह से याद होना चाहिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में कितनी भी डीप इंफॉर्मेशन हो एज डीप एज पॉसिबल इफ समथिंग इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म जैनिज्म और अशोका वी नीड टू लर्न इट और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर को याद कर लेना है दैट इज द फिफ्टी एंड द आर्ट एंड कल्चर डोंट बिलीव मी आई आई यू डोट बिलीव मी राइट आई विल शो यू यू डोट बिलीव मी करेट ऑप्शन ए हैंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका पे कितने क्वेश्चन हो गए कई अशोका को भी काउंट कर लेना चाहिए इतने क्वेश्चन तो नहीं देखे मैंने कभी पहले आज तक अशोका के कंगनहली सांची शाहबाज घड़ी और सोहा घोड़ा ठीक है तो एक स्कल्पचर है जिस पे राणियो अशोक लिखा हुआ है विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका और वो स्कल्पचर का बेसिकली नाम पूछा गया है इसको देखें इसको एक, इस स्कल्पचर इस को देखते हैं अस सी ये स्कल्पचर कौन सा है या नहीं है आंसर फर्स्ट था कंगन अली डजेंट गिवस ए लॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन अशोक का कौन सा था वो राणियों अशोक विकीपीडिया में देखें इज अबाउट बुद्धिस्ट साइट है मौर्य अशोक मां बुद्धिस्ट अशोक यही सारी चीजें हैं कूल cool है सो दैट इज इट आंसर इज बेसिकली कंगन हली ठीक है जिसमें को अशोक को राणियों अशोक स्टोन पोर्ट्रेट भी अशोक की चलिए नॉट अ गुड नॉट प्रॉब्लम कंगन हाली कर्नाटका गुलबरा डिस्ट्रिक्ट में है इंस्क्रिप्शन दैट रीड रानी अशोक एक बार रानी अशोक से सर्च करके देखते हैं वी माइट एक्चुअली प्रॉब्ली गेट आंसर एंड इफ नॉट देन वी विल मूव फॉरवर्ड रानी ओ अशोक आर्ट एंड कल्चर और एंशियट हिस्ट्री पढ़ते वक्त वी शिल गो विद द पिक्चर्सर अगर गूगल का किसी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त कोई यूज है तो दैट इज ओनली पर्टेनिंग टू आर्ट एंड कल्चर एंड एंशियन हिस्ट्री क्योंकि ये चीजें याद करने के लिए हमें एक बार थोड़ी सी विजुअल थोड़ी सी जाननी जरूरी होती है रानियों अशोक दिस इज अशोक ओके okay, पहले भी दिखा तो यही था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया सो दिस इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक का इट शैल बी इट हैज टू बी इधर दिस इज फाइंड आउट कर लेना अभी मैं इस समय ढूंढ नहीं पा रहा हूं अच्छी तरह से दिस इज इट हाँ यही है अशोक की इंस्क्रिप्शन यही है हर जगह यही आ रही है सो दिस हैज टू बी विच इज जिसप रानी ओ अशोक कहा जाता है ठीक है कूल cool है चलिए कंसिडर द फॉलोइंग बुद्ध की यानी बुद्ध को मूर्ति पूजा करना बोधि सत्व के पाठ पर चलना और तीसरा वाला है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल इसमें से 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 महायान बुद्धिज्म के कौन कौन से फीचर हैं अब देखो आप में से जो भी स्मार्ट बच्चा है का मतलब ही इमेज वर्शिप होता है सो ये दोनों स्टेटमेंट ही सेम हो गई है तो ये या तो दोनों गलत होंगी या दोनों सही होंगी एक साथ होंगी तो जिसमें वन और थ्री आंसर है या तो वो है या वो नहीं है तो वन और थ्री सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑप्शन में है एन An आंसर आ गया विदाउट नोइंग विदाउट जीरो इंफॉर्मेशन प्लीज टेल मी इज इट राइट और नॉट डीफिकेशन मूर्ति इमेज की पूजा करना इमेज वर्शिप एंड रिचुअल ये दोनों स्टेटमेंट या तो सच है या गलत है चाहे आपको नहीं पता हो ठीक है या सच है या गलत है मतलब आंसर में जरूर होंगी जिस भी आंसर में वन और थ्री है या तो वो आंसर है या वो नहीं है तो ये वन और थ्री सिर्फ इसके अंदर है बाकी किसी में है ही नहीं ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस मिला तो अब हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि इसको ना चुना जाए वी हैव टू टेक इट एज एन आंसर विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन वी कुड हैव जस्ट बाय द मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डीफिकेशन जिसको डी का डिक्शनरी मीनिंग पता था वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता और बुद्धि अगेन एक और बुद्धिज्म पे क्वेश्चन है मैं और शशांक सही पैशनेट थे बुद्धिज्म के बारे में

कल्याण मंडप जो होते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर किसके किंगडम में बनाए जाते हैं अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नॉट अ लॉजिक इन्वॉल्व यू शैल यू हैव टू जस्ट नो किताब पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा आर्ट एंड कल्चर की किताब में कि कल्याण मंडप किसके टेंपल्स के फीचर हैं किंगडम के तो विजयनगर एम्पायर आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है विजयनगर के अंदर कल्याण मंडप जिसमें बेसिकली भगवान डिविनिटी की शादी होती है उनको बनाया जाता था मंदिरों के अंदर नेवरडलेस इंडियन हिस्ट्री अरे यार ये भी बुद्ध पे क्वेश्चन है मुझे एक पल के लिए डाउट होने लग रहा है कि ये यूपीएससी का ही पेपर का दिस इज यू कैन चेक इट 2018 हजार अठारह में आया क्वेश्चन बुद्ध के ऊपर या तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में आई थिंक दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग एल्स तो फ्यूचर बुद्ध बुद्ध नौवे अवतार है नाइन्थ अवतार ऑफ विष्णु माने जाते हैं ठीक है एक और बात है और बुद्धिज्म मिथोलॉजी में बोला जाता है कि एक फ्यूचर में एक और बुद्ध आएंगे दिस वन मोर बुद्ध दैट इज अबाउट टू कम उनका नाम क्या है अवलोकितेश्वरा लोकेश्वरा मैत्र पदमपनी यू नो व्हाट इज द आंसर दिस इज अ वेरी लवली क्वेश्चन आई लव दिस क्वेश्चन द दी द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड द सिंपल आंसर इज मैत्र दिस इज अ बुद्ध ये एक बुद्ध है जो कि कभी भी किसी भी समय आने वाले कलयुग में आने वाले समय में जन्म लेंगे अगैर क्योंकि जैसे जैसे हिंदुइजे like जैसे जैसे धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है तभी अवतार जन्म लेते हैं उस पाप का विनाश करने के लिए सिमिलरली बुद्ध इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी नाइन्थ अवतार और एवेटार वे यू प्रोनाउंस ऑफ भगवान विष्णु विच इज सच एन इंटरेस्टिंग सीनेरियो बुद्धिज्म ज ए डिफरेंट रिलीजन राइट बुद्धिज्म एक्चुअली अरोज अगेंस्ट दैट प्रीस्ट एंड रिचुअल्स हाउ एवर हिंदुजम उसके बावजूद भी बुद्ध को नौवे अवतार के रूप में विष्णु के नौवे अवतार के रूप में एक्सेप्ट करता है अच्छा, विष्णु का भी एक नौवा अवतार है सॉरी सॉरी विष्णु का भी एक दसवा अवतार है विच इज गोइंग टू कम इन कलयुग उसका नाम क्या है इसका आंसर सी है तो विष्णु का दसवा अवतार या विष्णु का कलयुग में कौन सा अवतार है जो आएगा वो कौन सा है नाम बताओ भाई उसके नाम बने उसका नाम जब तक नहीं बताओगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मैत्रिया तो हो गया यार विष्णु का अवतार कौन सा आने वाला है भाई प्लीज बताओ वरना मैं अभी कलयुग में वो अवतार लेके विनाश मचा दूंगा कल की कल की कल की तेजेंद्र गीता एन आशीष से ल्यूटली राइट ज्योतिष शुभम गौर कल की करेक्ट आंसर प्रिसाइसली स्पीकिंग सो अभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक वन मोर आर कम से कम एक घंटा और लगेगा सी सो वी आर नॉट गोइंग एनी स्टे हियर टिल वन मोर आर होपफुली जेंटल मैत्रिया इज द फ्यूचर बुद्ध ठीक है कूल सो अगेन अगेन देखो अब इन सब के बारे में आप याद करो ना अवलोकित अवलोकितेश्वर कौन है पदमपनी कौन है सिमिलरली मंजूश्री कौन है मैत्रिया कौन है क्षितिगर्भ कौन है

स्थानकसी किस सेक्ट को बिलोंग करते हैं स्थान कवसी वर्ड अभी अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ था अगर किसी ने ध्यान दिया हो थो. तो मैं स्ट्रेट बता देता हूं अगेन जैन ये भी जैनिज्म से एसोसिएटेड है यहां पे भी बुद्धिज्म ही है बेसिकली दो दो आई थिंक आई विल हैव टू चेंज माय अप्रोच मतलब कि मुझे लगता था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे हर साल एक क्वेश्चन आता है जितने क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं ये तो मुझे लग रहा है कि हर साल दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म पे राइट

इसको देखें रूमी दरवाजा कैसा दिखता है तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं है hmm. यह रूमी दरवाजा है दिस इज रूमी दरवाजा ओके दिस वन इज नाउ आफ्टर वाचिंग द रूमी दरवाजा आर यू श्योर यू कैन प्रोबेबली आंसर कि इसमें व्हाइट मार्बल वाज़ यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खान रूमी दरवाजा डेफिनेटली रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है अभी देखा व्हाइट मार्बल फतेहपुर सीकरी कौन कौन गया आई थिंक ऑफ पीपल ऑफ अस एव विज थिंक इसका एक ही आंसर आंसर है ठीक है विद रेफर टू इंडियन हिस्ट्री वी हे डन इट विद रेफर आई एम नॉट इवन डूइंग इट दिस इज ऑन इट दिस इज दिज आर द्वेश्चन यू कैन स्टिल चेक इट एंशियंट हिस्ट्री में बोधि सत्व सेंट्रल टू दिनियातनेट वन ऑन इज वे टू एनलाइटनमेंट बोधिस अचीविंग इज ऑन सोलेशन टू हेल्प ऑल सेंटियन बींग्स ऑन देर पाथ टू इट तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो बोधिसनियान में नहीं आता वो महायान में आता है पिछले क्वेश्चन से ही आंसर आ गया है वन होगा नहीं तो वन को काट दो एंड दो एंड थ्री बी आंसर है इसका आई एम एंड ऑनेस्टली एंड कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे इतने क्वेश्चन आते हैं मतलब मैं एक सोच के चल रहा था मेरी थ्योरी थी एक दिस ऑलवेज वन आई एम प्रीटी श्योर इट्स टू इट टू बी टू ऑप्शन इज बी ठीक है तो दोनों के दोनों है थर्ड स्टेटमेंट नहीं था अजंता uh, और महाबलीपुरम अजंता और महाबलीपुरम के बारे में स्टेटमेंट है दोनों के दोनों को सेम पीरियड में बनाया गया था दोनों के दोनों सेम रिलीजियस डोमिनेशन से रिलेटेड है दोनों के दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट है तो देखो दोनों के दोनों में सेम रिलीजियस डोनोमिनेशन नहीं है एक में बुद्ध, एक में बुद्ध प्राइमरली बुद्धिस्ट है एंड महाबलीपुरम बुद्धिज्म से वैष्णवाइट विष्णु भगवान राइट सो so, नाम से पता चल रहा है हमको तो ये गया दो नंबर गया तो दो वाला तो गया नन हो सकता है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स यस ये सही है तो थर्ड होना चाहिए बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड आई थिंक ये भी गलत है सो वील गो विद थ्री ओनली राइट सो थ्री ओनली इज द करेक्ट थ्री ओनली इज द करेक्ट तो देखें हम थ्री ओनली पे थ्री ओनली इज द करेक्ट महाबलीपुरम हाँ बोथ फेमस फॉर द रॉक मॉन्यूमेंट्स एंड एक तो 630 से उसमें बने थे और एक सेकेंड सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी सो आई थिंक यू आर राइट हमने दो हम बिल्कुल सही कर दिया था ब्रिलियंट माई फ्रेंड्स ब्रिलियंट आई लव यू ऑल विद रेफरेंस टू दी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इजिंग ऑफ दी क्रॉनिकल्स डायनेस्टिकल इफ यू नहीं होती थी तो राजा किस्से हुआ करते थे उसमें कुछ लोगों को याद करवाए जाते थे एंड इट वॉज दियर प्रोफेशन जॉब थी वही याद करना सो so आस्क अगर उस समय होते तो यह जॉब कौन लेता मतलब काम बहुत ही फ्री काम बहुत ही एंजॉय वाला है काम एंजॉय वाला है कि भाई, क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्री दादा दादाजी आपके दादाजी ये थे आपके पिताजी वो थे उन्होंने ये किया वो कहानियां याद करनी है आपको जस्ट गोइंग टू बी अपने महल वहल है राजा के आप खास हो गए डायरेक्टली मीटिंग वीटिंग वो करेगी चिल रहा करोगे और आपको क्या कहेंगे श्रमण परिवराजक अच्छा परिवराजक अभी अभी पढ़ा है ये वर्ड अग्रह आरिका और मगध क्या नाम है इसके अंदर ठीक है अब आंसर इसका सिंपल है मगध बेसिकली सूत एंड मगध कहते थे उसको नोट्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ये जो काम था क्रॉनिकल राजा के बारे में राजा की डायनेस्टी के बारे में क्रॉनिकल्स याद करने के लिए ये या तो सूता सूत कहते थे उन्हें या उनको कहते थे मगध अब मगध डायनेस्टी भी है लेकिन वो हजार साल पुरानी है गुप्ता डायनेस्टी से ठीक है तो लेकिन मगध को एक वर्ड के कॉन्टेक्स में याद करें तो वो लोग जो कि याद कर विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ अवंती गांधार आई वॉज थिंकिंग एक ही क्वेश्चन आता है पे, हर एक साल दो question आ रहे हैं यार बनाते वक्त मुझे हिंट हुआ था कि ज्यादा है इतने तो मतलब मैं तो एक सौ दस से तो ज्यादा ही कर लिया बनाते वक्त मुझे हिंट हो रहा था करते वक्त मुझे और एहसास हो रहा है अवंती गंधार कौशल और मग्ध बुद्ध के जीवन से

तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर बचा अवंती कौशल अच्छा कोशल और मगध हो गए चाहो ना चाहो ऑटोमेटिकली आंसर में आ चुके हैं सिर्फ यह देखना है कि अवंती है या नहीं है बुद्धिज्म से रिलेटेड अब यार देखो अब, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा एंड लेट्स स्टॉप फेकिंग सरप्राइज हियर बुद्धिज्म इज इंपॉर्टेंट जैनिज्म इज इंपॉर्टेंट हर साल दो क्वेश्चन आ रहे हैं इफ इफ नेक्स्ट ईयर यू आर अनएबल टू सॉल्व बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म क्वेश्चन देन इट विल बी योर फॉल्ट क्योंकि इससे ज्यादा क्लैरिटी यूपीएससी नहीं दे सकता है कि भाई ये एक टॉपिक है जिससे मैं रेगुलरली क्वेश्चन पूछने लग रहा हूं थ्री एंड फोर ओनली अवंती नहीं है कौशल और मग्ध जो एरिया है यही वो एरिया है जहां पर बेसिकली बुद्ध ने घूम घूम कर ट्रेवल कर करके बुद्धिज्म का प्रचार किया था अपनी फिलोसफी को सिखाया था एंड देन देर आर ऑब्वियसली वैशाली एंड वज्जी आल्सो ये भी कुछ रीजन से जो कि बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड है ठीक है बुद्ध के जीवन से अब बुद्ध के जीवन के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है एक तो बुद्ध ने जिस दिन घर छोड़ा था बुद्ध ने जिस दिन निर्वाण प्राप्त किया था बुद्ध ने जिस दिन पहला सरमन दिया था और बुद्ध ने जिस दिन महापरिनिर्वाण किया था ये चारों के चारों इवेंट्स जो थे वो कहां, -कहां पर किस किस जगह पे हुए थे इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट प्लीज अभी पता करो ये चारों के चारों जगह कौन कौन सी है बुद्ध का पहले बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बुद्ध ने पहला भाषण कहां पे दिया पहला प्रवचन कहाँ पे दिया बुद्ध को निर्वाण कहां पे प्राप्त हुआ और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ क्या मान गए

UPSC is giving hints pertaining to the questions which they are going to ask in the future. How about it, right? Interesting I will show you something very, very interesting. Okay. Now how are we going to go? We are going to go to the NCRT website, okay? NCRT ki website which NCERT. NCRT. So NCRT ki website which एंड लेट्स ओपन द टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने देख रहा हूँ सामने खोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ इट इज ट्रू क्लास इलेवेंथ की बुक पे जाते हैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द फाइन आर्ट आर्ट हम फाइन की किताब को ढूंढ रहे हैं वी वी गो टू सेलेक्ट बुक टाइटल एंड ओपन एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पार्ट वन ठीक है आर्ट पे गो किया हमने ऑल राइट एंड वैसे तो आप ढूंढे खुद लेकिन चलिए मुझे शायद पता है तो अंदाजन से मैं वो खोलने की कोशिश करता हूँ तो चैप्टर थ्री मैंने खोला चैप्टर थ्री हमारे सामने खुल रहा है लेटेस्टी आर्ट एंड कल्चर की एनसीआरटी की जो किताब है उसको ओपन कर रहा हूँ मैं ठीक है एंड आर्ट्स ऑफ द मॉरियन पीरियड ठीक है आर्ट्स ऑफ द मॉरियन पीरियड ये चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो अचानक से एज वी गो अपेट दिस एलिफेंट धोली राइट दैट इज दौली रॉकेट एलिफेंट मॉरियन आर्ट से एसोसिएटेड मॉरियन एरिया मॉरियन इरा से एसोसिएटेड है सोली दिस इंफॉर्मेशन कि मैंने रॉकेट एलिफेंट जो है रॉकेट एलिफेंट जो है वो मॉरियन वाले चैप्टर में पढ़ा था या वराह इमेज जो है ये सारी की सारी जो इमेजेस है ना ये एनसीईआरटी की किताब में है इसी आर्ट एंड कल्चर ऑल ऑफ देम फोटो दी रखे सबकी भुवनेश्वर वाले लिंगराज टेंपल की महाबलीपुरम के रॉकेट मॉन्यूमेंट्स की वराह इमेज उदयगिरी की ऑल दीज पिक्चर्स आर इन दैट बुक ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि उस बुक में कहाँ पे थी मतलब कि कौन से चैप्टर में थी एंड यू विल बी एबल टू आंसर तो थर्ड वो मॉरियन टेक्निकली मॉरियन वाले एरिया से आर्ट स्टार्ट हो रही है सबसे पहले ये आता है बाकी सारे उसके बाद के चैप्टर है मतलब दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड आपको ये भी नहीं याद रखना कि कौन से ईयर ईयर की हैं कौन से ईयर अच्छी तरह से याद है सिर्फ बेसिकली इतना मालूम होना चाहिए था कि यार चैप्टर में ना एनसीईआरटी की जो आर्ट एंड कल्चर की किताब है उसमें सबसे पहले धौली छपा हुआ था उसके बाद कई हैं सारे के सारे दैट इज हाउ एक्चुअली आई प्रैक्टिकली सॉल्व इट इन दी एग्जामिनेशन लिंगराज टेम्पल छे सौ पंद्रह ड्यूरिंग सिक्स सेंचुरी बना है एलिफेंट एट ढोली अशोका के समय में बना हुआ टू सेवेंटी से टू से टू सेवेंटी थ्री और सो so, रॉक कट एलिफेंट सबसे आगे बाकी आप सबका टाइम चेक कर लीजिएगा अगेन 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 ये चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है अगर इन चारों में से कोई क्वेश्चन आया एंड यू आर अनेबल टू आंसर इट और ये मुझे फिर अगली बार आके बताओगे कि सर दैट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट और हमने तो मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री क्लास में आपने करवाया नहीं तो इसलिए हम सॉल्व नहीं कर कम कम ऑन ऑन कम ऑन हम एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में सब कुछ करेंगे कब बिगिन हो रही है लॉन्च दॉर्स ये अभी भी हैंग हुआ है घंटे से हैंग हो रखा है

एंड विल बी मीटिंग इच अदर इन द्लास रूम टमोरो ठीक है चलिए ओके कलमकारी पेंटिंग सो वॉट वट एन अमेजिंगली सिंपल क्वेश्चन कलमकारी पेंटिंग क्या होती है सिर्फ ये बता दो हमें एंड इसको भी देखेंगे यार है इंटरनेट पर देखते हैं इसको कलमकारी पेंटिंग होती क्या है बिफोर वी आंसर कलमकारी 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 पेंटिंग ब्लॉक करते हैं इमेजेस पे सो दिस इज समथिंग नोन एज कलमकारी पेंटिंग ठीक है अब तो आंसर दे दो चलो बताओ आंसर क्या है कलमकारी का इट्स हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल ऑफ साउथ इंडिया आर्ट एंड कल्चर की किताब में बहुत ही सरलता से दिया हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग वाज़ गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ये उस साल के करंट अफेयर से एसोसिएटेड है बट अभी भी आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें से अभी भी एक ही है बाकियों को अभी भी नहीं दिया गया तो एक ही है इसमें से सो जस्ट बिकॉज करंट अफेयर का है दैट नॉट मीन कि आप करंट अफेयर पूछ सकते हैं अच्छा देखो अब एक मस्त एक इंटरेस्टिंग चीज बता ये जिस साल क्वेश्चन आया था क्लासिकल लैंग्वेज इससे पिछले साल भी क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया था पिछले साल भी आया था और उसके नेक्स्ट ईयर भी पूछ लिया गया मतलब कि पिछले साल के जो टेन ईयर्स के क्वेश्चन है दे आर गिविंग यू हिंट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इनफ टू सी दम ओडिया आंसर है ओडिया ओडिया को उस साल क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था नथिंग एल्स कलारी प, कलारी पयट्टू कलारी पयट्टू कलारी पयट्टू क्या होता भाई अगेन इट्स काइंड ऑफ एन आर्ट फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ट फॉर्म कलारी पयट्टू आपने देखा भी होगा uh, मैं उसका नाम भूल गया एक वो एक्टर है कलारी पयट्टू में शायद ट्रेंड है वो कलारी पयट्टू आप मुझे उस एक्टर का नाम बता सकते हो मतलब जैसे ऐसे टाइगर श्रॉफ के टाइप का ऐसे थोड़ा एक्शन वैक्शन करता है वो कलारी पेट्टू वाला ठीक है तो मतलब गरीबों का टाइगर श्रॉफ है वो नाम मैं बोल विद्युत जामवाल विद्युत जामवाल वो शायद कलारी पयट्टू में ट्रेंड है सो दिस इज लाइक सी ये आपने कहीं पे फोटो देखा प्ले so, तो काफी जंप करके ऐसे तलवार एंड ढाल यूज की जाती है सो दैट थिंग उसको कहते हैं कलारी पेट्टू इट्स बेसिकली

पक्का हाउस राइट नाउ राइट विद इंटरनेट इधर यू आर डूइंग इट इधर वाचिंग मी में स्मार्टफोन और इधर वाचिंग मी में लैपटॉप राइट पंखा वंखा चल रहा है राइट सम ऑफ यू मस्ट बी एसी सी कूलर वूलर चल रहा होगा एंड राइट देयर देर इज अ काइंड ऑफ पीपल जिनको मंगनियार्स कहते हैं और ये अपना जीवन सिर्फ गाना गा बजा कर ही पसर करते हैं इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन देअर दिस इज वेन यू आर बॉन्ड इन मंगन यास फैमिली द होल पर्पज ऑफ यूर लाइफ इज बेसिकली द म्यूजिकल ट्रेडिशन आपको बचपन से ही गाना सिखाया जाएगा And this is what you live for. The whole generations to generation, the whole community of the people is basically lives like that. If this, if this doesn't interest you into art and culture, I do not know what, what will. The correct option is B. It's a musical tradition in Northwest. A tribal community hoti hai Rajasthan a strong musical tradition. Hota hai. Hereditary community hai. they make living as musical performance. I love art and culture specifically due to these things. उट यू वैली सिविलाइजेशन के बारे में वहां के लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे Again, सरल सा है, temples, जैसे ही पता जाएगा, नहीं मतलब मोहनजो दारो पिक्चर फ्लॉप पिक्चर थी देखोगे तो गलत पता चलेगा लेकिन नहीं देस दर्श बोथ मेल्प्लॉड हॉर्स ड्रॉन चैरियट नो 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 ये बहुत बड़ा डिबेट है यह बहुत बड़ा डिबेट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान वो घोड़े हॉर्स को यूज करते थे या नहीं करते थे देर इज ए डिस्टिंक्शन इस पर काफी मेजर डिबेट है हमारी जो एनसीआर की एंशंट इंडिया की एनसीआरटी की जो किताब है वो कहती है कि नहीं वी विल ट्रेंड टू गो नो वी विल गोन नो तो इसका आंसर होगा टू ओनली ओनली टू ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बुद्धिस्ट रॉक कट केस में कुछ को चैत्या कहते हैं और कुछ को विहार कहते हैं तो बुद्ध जो बुद्धिस्ट मोंक्स होते थे वो बड़ी गुफाएं बनाते थे केस बनाते थे दो प्रकार की गुफाएं बनती है एक प्रकार की गुफा को कहते हैं चैत्या एक प्रकार की गुफा को कहते हैं विहार तो चैत्या क्या होता है विहार क्या होता है वेरी सिंपल अगेन जस्ट अ मीनिंग वर्ड वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग पूछा हुआ है चैत्या प्लेस ऑफ वर्शिप होता है चैत्या इज प्लेस ऑफ वर्शिप चैत्या में पूजा पाठ किया जाता है विहार जहाँ पे बेसिकली मोंक रहते हैं मॉन्क के रेजिडेंशियल एरियाज को विहार कहते हैं इजी करेक्ट आंसर इज चैत्या इज प्लेस ऑफ वर्शिप विहार इज प्लेस बुद्धिज्म आई एम नॉट इवन डूइंग इट दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ इट एंड दिस इज माई फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बुद्धि दिस इज माई टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बुद्धिज्म सो विच वन ऑफ दिस्क्राइब्स कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म एक वर्ड सुना होगा आपने निर्वाण राइट समथिंग अकिंग टू मोह मोक्ष सेल्वेशन लेकिन निर्वाण को आइडियोलॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बुद्ध कैसे डिस्क्राइब करते हैं राइट हाउ डू ही डिस्क्राइब्स इट तो जैसे मोक्ष होता है तो जैसे कभी, कभी हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो स्वर्ग का मतलब है कि भाई स्वर्ग में सारे के सारे होंगे, we'll का निर्वाण जब बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है तो निर्वाण प्राप्त करके एक्चुअली में लगेगा कैसे इज इट हैप्पी फीलिंग का समथिंग ब्रिलियंट वट विल है इज जो उसका सबसे निर्वाण की जो सबसे क्लोजेस्ट डेफिनेशन है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर बुद्ध का जो फिलॉसफी है वो इस बात पे बेस्ड है कि जीवन दुख है जीवन में दुख है दुख ही सत्य है और उस दुख का कारण क्या है आपके जीवन की आपके अंदर की डिजायर्स तो अगर आप अपने अंदर की डिजायर्स खत्म कर दोगे तो आप निर्वाण प्राप्त कर लोगे और आप दुख से बहुत ही दूर हो जाओगे सो वट इज दिस निर्वाण इट बेसिकली जब अंदर से कंप्लीटली जीरो डिजायर हो जाए You just don't want anything. You are in absolute peace and absolute bliss. I don't know why, but when it comes to peace and bliss, why do you sound like that? Because we can sound normally also during the peace and bliss. जैन डॉक्टर के बारे में अगेन फिर ये जैन एक बुद्ध एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल अ सोल हो कर्म इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड अच्छा जैन फिलोफी पढ़ोगे अगेन बुद्ध फिलोस की तरह जैसी जैन फिलोस पढ़ोगे ये तीनों बेसिक होते हैं तुम नोटिस भी करो आपको मालूम होगा कि आ, जो स का जो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट तरीका है वो जैन धर्म के अंदर फॉलो किया जाता है राइट right? स्ट्रिक्टेस्ट जो रूल्स हैं रेगुलेशन है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल कई जैन जो होते हैं वो बेसिकली शूज भी नहीं पहनते हैं राइट right? या एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव दिस फिलोसफी दैट एवरीथिंग हैज लाइफ एंड नॉन वायलेंस सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है जैनिज्म का सो दे कांट एक्चुअली दे इंश्योर कि दे डू नॉन वायलेंस टूवर्ड्स एवरीथिंग एवरीथिंग हैज सोल कर्म इज द बेन ऑफ द सोल मस्ट बी एंडेड एंड ऑल थ्री आर करेक्ट इसका भी बेसिकली तीनों के तीनों ही सही है इजी क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन इज डी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे सांख्य स्कूल अरे भाई उस साल तो फिलोसफी का जो भी जिस भी ईयर के क्वेश्चन है सांख्य स्कूल के बारे में पूछा गया है अगेन दिस इज वन ऑफ द फिलोसफी स्कूल एंशियंट जो हिस्ट्री की किताब है उसमें बेसिकली पढ़ना होता है बट जिस भी बच्चे के पास उस साल फिलोसफी था वो प्रॉब्ली तीनों के तीनों क्वेश्चन सही कर गया बुद्धिज्म वाला भी सही था जैनिज्म वाला भी किया होगा एंड दिस ऑब्वियसली अगेन ये पर्टिकुलरली तो और फिलोसफी बेस्ड हो गया सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द हिस्ट्री ऑफ रीबर्थ एंड द ट्रांसमाइ्रेशन ऑफ सोल सांख होल्ड्स दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिब्रेशन एंड नॉट एनी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए इसका आंसर दो मेरे पास तो सांख्य था मैंने तो किया हुआ सांख तुम भी बताओ यार का ओके okay? पढ़ लेना इसको क्या बताऊं मैं तुमको सांग फिलोसफी क्या होती है क्या नहीं होती है बट द पॉइंट इज दैट कि इन्होंने फिलोसफी पूछी है तो बेसिकली सांग फिलोस अगले साल क्वेश्चन आ सकता है चाहे इन्होंने दस साल पहले पूछा है एक बार पूछ लिया सो इट इज इन देयर रडार सांग फिलोसफी इज विद इन दी रैल्स ऑफ द क्वेश्चन ठीक है कोई समस्या की बात नहीं है अजंता केव्स लिपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूप अजंता लिपाक्षी विच ऑफ दी अबव आर नॉन फॉर दी मुराल पेंटिंग्स पहले मुराल पेंटिंग्स देखते हैं उसके बाद बात करेंगे कि मुराल पेंटिंग्स इसमें से कहां पर है या नहीं है ठीक है मुराल पेंटिंग होती क्या है एक दिस इज मुराल पेंटिंग ये ऐसे दीवार पे प्लास्टर से ड्राइंग कर देना इसको कहते हैं मुराल पेंटिंग ठीक है सवाल पूछा गया है कि कहां कहां पर मुराल पेंटिंग है या नहीं है अजंता के अच्छा अजंता को तो देख ली मैंने सर्च किया था अजंता मुरालिंग सो so यू you नो know कि अजंता में तो है लेपाक्षी में है और सांची स्तूप में है ये बताना था लेपाक्षी में है अगर लेपाक्षी सर्च करोगे तो यू विल फिगर आउट कि हाँ वहां पर मुराल पेंटिंग है सांची स्तूप में नहीं है इट इज टू ओल्ड एक बड़ा ओल्ड स्ट्रक्चर है तो वहां पर उस समय मुराल पेंटिंग डेवलप नहीं थी बी इज बेसिकली आंसर सो वी आर डन विद दैट ऑल्सो ये बता दो अच्छे वाला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है देखिए इसको भी नेट पे देखेंगे त्रिभंग कुछ, -कुछ, दे कुछ ना कुछ पोज ली जाती है, so, कौन सी पोज है? ये डिस्क्राइब करना था जिसमें एक लेग बेंट होती है इसको देखते ही है अगर बता दिया तो फिर अच्छी बात है इफ यू आर एबल टू फिगर आउट त्रिभंग त्रिभंग पोस्चर मैं यही करके दिखा रहा था आई न्यू इट ओनली हाफ दिस हेफ लाइक सी माई लेग बट इट इज बेंट लाइक हर एंड देन यू हैव टू सेट इज हाउ इट इज आई थिंक आई एम गुड विद दिस इस वाले को कॉपी कर रहा हूं मैं राइट एग्जैक्टली सो

कल्चर के दोनों सब्जेक्ट्स के और आर्ट के और कल्चर पिछले दस साल में पूछे to, uh, हम क्या -क्या गेज होगा हमें, uh, हमें यह पता चलेगा कि एक तो स्पेसिफिकली बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं और जो हिस्टोरिकल टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम के उनसे बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं राइट right? डेफिनेटली आते हैं अगर हम इन दोनों के ऊपर ही फोकस कर ले और uh, संगम लिटरेचर इंडस वैली सिविलाइजेशन मौर्य एम्पायर गुप्ता एम्पायर ये जो मेजर मेजर एम्पायर है इनको कर ले आई थिंक वी वुड हैव बीन एबल टू टू सॉल्व 60 ऑफ आई थिंक राइट दैट दैट इज इट वी आर गोइंग डू इन है लाइफ फाउंडेशन बैच हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको लाइफ फाउंडेशन बैच में आप कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे द लाइफ फाउंडेशन बैच बिफोर गोइंग लेट मी जस्ट रिमाइंड टू यू इज बिगनिंग टू शाम को छह बजे क्लास करेंगे हम आपकी लाइव क्लासेज हुआ करेगी छह से साढ़े आठ बजे के करीब लाइव है तो इसका मतलब आप अपने फैकल्टी से डायरेक्टली ऑडियो के द्वारा वीडियो के द्वारा बात कर पाएंगे मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक मेंटर भी असाइन करेगा अगर कभी क्लास में मौका ना मिले टीचर से बात करने का वी विल ऑब्वियसली है मेंटर टू यू जिसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल पर पूछ सकते हैं वट अबाउट दफोर्डेबिलिटी चैलेंज यू मोस्ट अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स इन कंट्री इन एक्चुअली वर्ल्ड ज आई डों बाहर दूसरे देश में कोई हमारे जैसा कोई कोर्स करा रहा है एंड उस अफोर्डेबिलिटी को लेने का सिंपल तरीका है जब आप एडमिशन लेने के लिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाए विच यू विल नीड वो अभी भी हैंग पड़िए अभी भी हैंग हो रखिये वो स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पर जाते हैं सो वेन यू गो यू डोट हैव टू बाइव थाउजेंड रुपीज ओके इट शोज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज बट वेन यू गो फॉर द एडमिशन यू जस्ट टाइप दी एल आई वी अमित लाइव अप्लाई नाइनटी नाइन रुपीज Or 18 months. I'll see you tomorrow in the class, okay? I'll class. And let's start a journey for the 2023. Till then, have a very nice day. And also, have a very